ये है जी, 10 साल बाद जब मैं इस इलाके को देख रहा हूँ तो पानी का जो निज़ाम है वो बिल्कुल धर्म भरम हुआ है और पूरे इलाके में गंदा पानी आ रहा है। जो पीना तो छोड़, उससे आदमी मेरे ख्याल बात वगैरह भी नहीं ले सकता। गैस, उसकी वजह यह है कि वो जो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है पाइप से, वो नहीं हुई, और यही सिचुएशन गैस की है। वो पाइपें पुरानी थीं, वो रिप्लेस नहीं हुई, और गैस जो है वो सर्दियों के अलावा गर्मियों में भी बंद होगी इलाके में। इसके सरासर जिम्मेवार साद रफीक साहब हैं। वॉल्टन रोड आबादी के साथ साथ उसकी जो वाटर डिस्पोजल सीवरेज वगैरह थी वो ठीक होनी चाहिए, नहीं हुई। अब बारिश जब होती तो एक एक फुट पानी खड़ा होता है उधर। अच्छा खान साहब, आपने कहा कि जो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी और जो पुलिस है वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है आपकी मुहिम के ऊपर। अब तो नया पाकिस्तान मारजी वजूद में आने वाला है, जिस तरह से आप कह रहे हैं 100 रोज़ा प्रोग्राम है, इसके अलावा और बहुत सारे वादे वेद किए गए हैं आवाम के साथ। तो इस दौर में भी आपको इस तरह के शिकवे हैं कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है और नून लीग को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही है? ये मैंने नहीं कहा, लेकिन शायद हमारे किसी और साथी ने कहा। मैं तो ब्यूरोक्रेसी से जो जायज़ उनका काम है वो कर पा रहा हूँ। मैं कोई गलत काम कभी कहता नहीं ब्यूरोक्रेसी ने, सो जो उनका काम, उनकी जो जिम्मेवारी है वो मैं उनसे पूरी करवा रहा हूँ। मुझे तो ऐसी अभी दुश्वारी नहीं है। खान साहब ने कहा कि हुकूमती मशीनरी ज़ाहिर इस्तेमाल नहीं होने देंगे इलेक्शन में, और हर नुमाइंदा जो है अपनी खुद जिम्मेदारी ले मुहिम की भी, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की भी। तो आम तौर पर जो हुकूमती नुमाइंदगान होते हैं उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं कि जो हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है मुहिम में या जिस तरह से भी। तो अगर ऐसा वाकई हो जाता है तो साफ शफाफ अमल होता है तो कितने चांसेस हैं आपके विन होने के? मैं समझता हूँ अच्छे चांसेस। मेरी हवा अच्छी है इस इलाके में। जो पिछले 10 साल दौर रहा है वो मेरा जो अपोनेंट है उसका स्टाइल और है। वो सॉर्ट ऑफ डॉन बन के इलाका चलाता है, वो उस माफिया का हेड बन के इलाका चलाता है। उसके जो उसके इलाके में कारोबारी चीज़ें, उसकी सोसाइटियाँ सारी इस हल्के के इर्द गिर्द हैं। पैरागॉन हो और सुई गैस सोसाइटी में भी उनका बड़ा अमल दखल है। स्टेट लाइफ में है, LDA सिटी जो है, इन सब में इनकी इन्वॉल्वमेंट है। आशियाना स्कीम जिसमें अभी उनकी पूरी नैब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पैरागॉन की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उनके रेलवे में पता नहीं, वो आवाम में कहते फिरते हैं कि उन्होंने बड़ा कमाल किया है, लेकिन चीफ जस्टिस हर हफ्ते उनको बुलाता है कि तुमने खसारा बहुत अरबों रुपए बढ़ा दिया है, वो हुआ क्या है? तो हमारा स्टाइल और है जी। हमारे बारे में तो ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई नैब नहीं बुलाता, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं बुलाती। मैं अपने वोटरों की इज्जत करता हूं। साद रफीक साहब बुनियादी तौर पर बदतमीज़ आदमी मशहूर हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर ज़मीन पे बैठ जाते हैं और पैर को हाथ लगाते हैं। हमने एक अच्छा सिलसिला शुरू किया है, इस इलाके में बहुत तमीर तरक्की कराई। आप देखें कि इसमें बहुत से वोटर्स मेरे बहुत पुराने साथी हैं जो अभी तक मेरे साथ खड़े हैं 25 साल के बाद भी। ये नून लीग का पौधा इधर मैंने ही बोया था। साद रफीक साहब ने आके पीपल पार्टी और इत्तेहाद आसम नहीं हराया था, वो मैंने हराया था। साद रफीक साहब तो पिछले 25 साल पकी पकाई खीर खाते रहे हैं, लेकिन अब हार चुके हैं वो इलेक्शन। उनकी पार्टी पंजाब में और पाकिस्तान में इलेक्शन हार चुकी है, और अवाम इस चीज़ को भी देखती है। अवाम को पता है कि साद रफीक को इस दफ़ा वोट देना, वोट ज़ाया करना के बराबर होगा, क्योंकि उनकी हुकूमतें ख़त्म हो गई हैं। और सारी हुकूमतों के बावजूद जब उनकी कारकर्दगी कुछ नहीं रही, तो अब ख़त्म होने के बाद तो ये वोटर तो उनको साथ नहीं देगा।